हाय गाइस मेरा नाम है संचित और आप दिख रही है टेक बार और आज वाली वीडियो में एंड्रॉयड को सपोर्ट करने वाला हूं मैं आज आप लोग को बताऊंगा कैसे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म जो है ज़्यादा बेहतर है अगर मैं कंपेयर करूं एप्पल के आईओएस से तो ये सेम वीडियो जो है मैंने आईओएस को सपोर्ट करते हुए बनाई थी उस टाइम पर आप लोगों ने बहुत हेविली रिक्वेस्ट किया था कि एंड्रॉयड को सपोर्ट करते हुए वी वीडियो बनाओ तो आज फाइनली आप लोग के आ गए तो अभी से लाइक बटन पर क्लिक कर दो सबसे पहले रीज़न मैं आप लोग को देना चाहूँगा एंड्रॉयड बेहतर क्यों है वो है रूट करने की केपेबिलिटीज़ होना एंड्रॉयड के अंदर अब क्योंकि एंड्रॉयड जो है एक ओपन प्लेटफॉर्म है और क्योंकि वो जावा पे बेस्ड है तो हमें बहुत सारे डेवलपर देखने को मिल जाते हैं और साथ के साथ डेवलपर को बहुत सारी फ्रीडम और एक्सेस देखने को मिल जाता है एंड्राइड के अंदर जिससे वो बहुत सारे कस्टम रोम बना पाते हैं एंड्राइड के लिए जैसे कि अगर आप कोई भी शाओमी का फोन खरीदते हो या फिर रियलमी का खरीदते हो किसी भी कंपनी का एग्जाम्पल ले लो आप एक्सडी डेवलपर पर अगर जाओगे तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट डेवलपर अगर वो फोन खरीद के बैठे अगर वो ऑन करते हैं तो वो कस्टम रोम बनाते रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं कभी कभी कंडीशन में मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई फोन एक कस्टम यू के साथ आता है जैसे कि लगा लो मी यू के साथ आता है एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट तो हो सकता है उसके अंदर आप स्टॉक एंड्रॉयड भी डाल सकते हो उस फोन के अंदर तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी कैपेबिलिटीज देखने मिल जाती है रूट होने की वजह से अब यहां पर ऐसे समझो एंड्रॉइड होने की वजह से आपको फुल कंट्रोल मिल जाता है अगर आपने फोन में चाहते हो ये ऐप नहीं होनी चाहिए या फिर पूरी यूआई नहीं होनी चाहिए तो आप वो सब कुछ कर सकते हो ये सारी चीजें आईफोन के अंदर दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है तो यहीं से एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है जैसे कि एपी की बात करते हैं काफी बार होता है कि प्ले स्टोर पर कोई एपी नहीं मिलती आपको तो आप गूगल पर जाके किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो ये चीज़ें आईफोन में नहीं हो सकती तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जो हमारा एंड्रॉयड है वैसे इसके पीछे एक रीजन है जैसे कि एंड्रॉयड जो है बेस्ड है पूरा जावा के ऊपर और जावा जो है ना आए दिन बहुत नए नए फीचर लेते हुए एक एक और बेहतर होता जा रहा है इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी बार भी हम एंड्रॉयड के फीचर्स देखते हैं दो साल बाद जो है किसी आई मतलब किसी भी एप्पल के फोन में आते हैं वो फीचर्स चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लो यार सबसे पहले एंड्रॉयड में ही आता है फीचर्स डिपार्टमेंट के अंदर तो मेरे हिसाब से यहीं से बहुत बड़ा एडवांटेज आता है काफी लोग बोलते है कि के नहीं देखने को मिलेगी लेकिन अगर आप गूगल का पिक्सल खरीदते हो इसके अंदर आपको अच्छी खासी सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी या फिर आप सैमसंग गलेक्सी एस ट्वेंटी खरीदते हो जो कि आज के टाइम का लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन है सैमसंग की तरफ से तो वहां पर नॉक सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है तो पूरा जो है इन शॉर्ट जो एंड्रॉयड सिस्टम होता है बहुत ही हाईली इंक्रिप्टेड होता है तो इतने ज़्यादा उसके हैक होने के चांसेस नहीं होते तो ये एक बेनिफिट है अगर आप महंगे प्लेटफॉर्म पे जाते हो तभी आपको एंड्रॉयड के अंदर सिक्योरिटी मिलेगी ये थोड़ा सा मुझे फ्लो लगता है नहीं तो एंड्रॉयड के अंदर भी आज के टाइम पर सिक्योरिटी आ गई है नेक्स्ट चीज़ जो एंड्रॉयड के अंदर बहुत ज़्यादा सुपीरियर है वो है शेयरिंग शेयरिंग मतलब होता है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ गए हो कहीं पे फोटोज़ बहुत सारी खींच खींचकर लेकर आए हो तो आप इजीली उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो या फिर एक छोटी सी बात करते हैं यार अगर मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ तो वो जो है नॉर्मल पेन ड्राइव की तरह करने, मतलब कनेक्ट हो जाता है और आप सारी फ़ोटोज़ को कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर ट्रस्ट मी गाइज आईफोन जो है बिल्कुल अजीब बिहेव करता है अगर मैं एप्पल के लैपटॉप से भी उसको कनेक्ट कर दूंगा ना तब भी आप फ़ोटोज़ को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ये बहुत ही वियर्ड हो जाता है सिर्फ एयर ड्रॉप का ऑप्शन मिलता है आईफोन के अंदर चीज़ें शेयर करने का नहीं तो एंड्रॉइड जो है टाइप सी केबल से शेयर हो जाता है उसके अंदर डायरेक्ट पेन ड्राइव लग जाती है सबसे बड़ी बात हार्ड डिस्क लग जाती है और नहीं तो आपको बहुत सारे हॉटस्पॉट वाली ऐप मिल जाती है जो कि गूगल की भी बहुत सारी है कि हॉटस्पॉट क्रिएट हुआ और अपने सारे दोस्तों को मतलब हॉटस्पॉट के थ्रू फोटोज़ भेज दिया वीडियोज़ भेज दिया फिर ऐप्स तक भेज दी यार इससे ज़्यादा और इंडिपेंडेंस क्या चाहिए होगी तो यहां पर ये बहुत बड़ा एडवांटेज है नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा कस्टमाइजेशन के बारे में पहले आईफोन का सुन लो आईफोन में जो आप सिर्फ वॉल पेपर बदल सकते हो बात खत्म हो गई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड के बारे में तो एंड्रॉयड के अंदर आप आइकन्स बदल सकते हो आप वॉल तो बहुत बेसिक चीज़ में बोल रहा हूँ आप लोग को इस सबसे बड़ी बात आप पूरे एक अलग से लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको बोरिंग लग रहा है जिस जिस लॉन्चर के साथ आपका फोन आया है तो कोई भी एक अलग अलग बहुत सारे लॉन्चर प्ले स्टोर पर अवेलेबल है डालो आपको हर बार जो एक है तो उनको बंडल बहुत अच्छे से करता है एंड्रॉड जो है नेक्स्ट तो बात कर लेते हैं वॉइस असिस्टेंट के बारे में आईफोन के अंदर हमें सीरीज देखने को मिलता है जो कि हमारी इंग्लिश तक नहीं समझ पाता ढंग से काफी कंडीशन के, के अंदर वहीं पर एंड्रॉयड के अंदर हमें गूगल असिस्टेंट देखने को मिलता है जो कि हिंदी तक बोलता है हिंदी तक समझ step. क्रेज़ी बात है यहीं से बात सारी मतलब बहुत ही ऊपर हो जाती है एंड्रॉयड की ऑब्वियसली आप आईफोन के अंदर भी गूगल की ऐप इंस्टॉल कर सकते हो बट क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटेड होता है एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर गूगल असिस्टेंट तो आप बहुत सारे टास्क करवा सकते हो उससे जैसे कि यूट्यूब खुलवा लिया कोई थर्ड पार्टी ऐप आप आप आपको लॉन्च करवा ली काफ़ी चीज़ों के रिप्लाई हो जाते हैं गूगल असिस्टेंट जो है ना ज़्यादा अच्छे जवाब देता है अगर आप कुछ भी पूछते हो उससे तो वो अच्छे तरीके से गूगल सर्च करता है तो इन शॉर्ट मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग गूगल असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है वैसे ना एक मैं आप लोग को छोटी सी ट्रिक बताता बताता हूँ आप ये तक बोल सकते हो गूगल असिस्टेंट को कि हाँ भाई ये चीज़ मैं जैसे कि अपनी गाड़ी की चाबी जो मैं अपने ड्रॉर में रख रहा हूँ तो वो याद रखेगा नेक्स्ट टाइम पूछोगे ना गूगल असिस्टेंट से कि मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ पर है वो बता देगा कि आपके ड्रॉर में कितने कूल फीचर है यार ये काफ़ी मतलब डायनेमिक बन जाती है चीज़ें तो गूगल इस्टेंट होना बहुत ही बड़ी चीज़ है अब इसी के अंदर ना थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ तो गूगल का इको सिस्टम गूगल का जो इको सिस्टम है ना मेरे हिसाब से आज के टाइम पर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर हो चुका है और सबसे बड़ा है सबसे पहली बात मैं आप लोग को बताता हूँ गूगल फ़ोटोज़ के बारे में मैंने आईफोन के अंदर भी गूगल फ़ोटोज़ की ऐप डाली हुई है और मैंने अपना बैकअप और सिंक ऑन कर रखा है तो मेरी आईफोन में जितनी भी फ़ोटोज़ खींचता हूँ वो गूगल फ़ोटोज़ पे सेव हो जाती है एच क्वालिटी के अंदर वो भी अनलिमिटेड स्टोरेज देखने को मिलती है अनलिमिटेड स्टोरेज मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था ये चीज सुनकर आई अगर मैं बात करूँ आईफोन के बारे में उसके अंदर आई में सिर्फ पाँच जी देखने को मिलती है फ्री और वो भी ऐसे भर जाती है और उसके बाद आप खरीदो पैसे दो इनको हर महीने तब जाके वो ज़्यादा स्टोरेज देंगे आपको आईफोन वाले ये बहुत बुरी बात लगी थी मेरे को अगर एंड्रॉयड के अगर आप पूरा इकोसिस्टम की बात करूं तो आप कॉन्टैक्ट्स कितनी ईजिली सिंक करते हो नेक्स्ट टाइम आपका फ़ोन अगर मतलब चेंज करते हो या फिर खो जाता है आप नया फ़ोन में अगर लॉग इन करते हो सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे मैसेज आ जाएगी कॉल लॉग हर चीज़ तो सेव रहती है यार गूगल इको के अंदर तो ये तो बहुत ही सही चीज़ होती है इनफैक्ट अब तो व्हाट्सएप का डाटा तक जो है ड्राइव पर सेव हो जाता है तो थैंक यू करना चाहिए हमें गूगल को इतनी सारी फ्री स्टोरेज के लिए नेक्स्ट खास बात एंड्रॉइड की है फाइल सिस्टम होना जो फाइल एक्सप्लोरर होता है जैसे कि छोटा एग्जाम्पल देता हूं अगर आप कोई भी क्रोम में ब्राउजिंग कर रहे हो कोई कोई भी आपने वेबसाइट से चीज डाउनलोड करी आप है ना आईफोन के अंदर ढूंढते रह जाओगे कि भाई कहां पर सेव हुई है वहीं पर एंड्रॉयड के अंदर प्रॉपर आपको फाइल एक्सप्लोरर देखने को मिलेगा उसके अंदर आप पूरा फोल्डर के अंदर फोल्डर बने हुए होते हैं अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मैनेज तरीके से होती है पूरी कंप्यूटर की फीलिंग देता है एक एंड्रॉयड फाइल सिस्टम होने की वजह से तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है इनफैक्ट जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आप एक पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो तो वो फाइल सिस्टम के अंदर आ जाएगा आप वहाँ पर चीज़ों को सेव कर सकते हो जो आपने डाउनलोड करी है तो ऐसे एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो जाता है और अगर सिर्फ आईफोन यूज़ करोगे तो थोड़ा सा ना मतलब दबाव सा फील होता है फिर क्लोज्ड इन्वायरमेंट सा फील होता है तो यहां पर भी एक चीज है जहां पर एंड्रॉइड बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है आईफोन से नेक्स्ट मैं मैं बात करना चाहूंगा एप्स के बारे में जैसे कि अगर के प्ले स्टोर के बारे में बात करूं तो उधर दुनिया भर के ऑप्शन अवेलेबल है इतनी सारी वेराइटी है कि आप थक जाओगे बट आप सारी एप्स नहीं देख सकते प्ले स्टोर पर यह बहुत ही बड़ी बात है जैसे कि अगर आप आईफोन की मैं बात करता हूं आईफोन के अंदर ना बहुत सारी डिफॉल्ट एप्स आप सिर्फ एप्पल की तरफ की यूज कर सकते हो जैसे कि कैमरा ऐप जो है आपको अलग से इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे नहीं तो एंड्रॉयड की बात करूं तो आपको दुनिया भर के जो है अलग अलग कैमरा ऐप देखने को मिल जाएगी जो आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हो नहीं तो कॉल रिकॉर्डिंग आईफोन में नहीं हो सकती बिल्कुल भी नहीं हो सकती वो एंड्रॉड के अंदर ही पॉसिबल है और आपको दुनिया भर के सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता है और हाँ मैंने ना बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की है कि ना एंड्रॉयड के अंदर ना कुछ कुछ ऐप्स बहुत अच्छा काम करते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ कैलकुलेटर ऐप के बारे में जो एंड्रॉइड की डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर ऐप आती है ना उसके अंदर ना अगर आप कोई भी प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी करते हो तो उसके अंदर बहुत सारी हिस्ट्री देखने को मिल जाती है जो भी आपने कैलकुलेशन ऊपर की है आईफोन के अंदर हिस्ट्री आती नहीं है यार कैलकुलेटर की अलग से कौन कैलकुलेटर डाउनलोड करे अब तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो मैं चाहता हूं कि आईफोन में थोड़े से और फीचर देखने को मिल जाए तो यहां से भी एंड्रॉय सुपीरियर हो जाता है अब इन्हीं बातों को थोड़ा सा और एक्सपेंड करें ना तो एंड्रॉयड फोन की भी वैरायटी बहुत सारी है अवेलेबल मार्केट के अंदर जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं अगर आपको बेस्ट कैमरा फोन चाहिए तो गूगल पिक्सल ले लो अगर आपको गेमिंग के लिए कोई फोन चाहिए तो आरओजी फोन टू ले लो एसुस का एसुस्का पूरा गेमिंग फोन है ये ऐसी बजट फोन चाहिए हो तो पोको एम टू ले लो इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इतने सारे हार्डवेयर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जैसे कि मेरी अगर रिक्वायरमेंट है, है कैमरे की या फिर सिर्फ बैटरी की आपको हर एक प्राइस रेंज के अंदर ये सारे फ़ोन अवेलेबल मिलेंगे तो आईफोन की बात करूँ तो इतने चॉइस अवेलेबल नहीं होती मतलब साल में एक ही फ़ोन आता है वही सब चीज़ें थोड़ी 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 दे देता है फिर कभी कभी तो बहुत अच्छे फ़ोन निकाल लेते हैं लोग तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है इसके अंदर मतलब सारा टेंशन नहीं होती हार्डवेयर की सीधी की बात कर लेते हैं हार्डवेयर जो है एंड्रॉइड के अंदर सीरियसली सुपीरियर है चार्जिंग स्पीड की बात कर लो आज के टाइम पे जो ओप्पो है वो 65 फाइव वॉट पर पहुँच चुका है और आईफोन जो है 18 वॉट पर है अब काफ़ी लोग इसको काउंटर इस तरीके से कर सकते हैं कि 18 वॉट बहुत ही सेफ चार्जिंग स्पीड है मैं बिल्कुल मानता हूँ बट हाँ चार्जिंग की स्पीड अगर देखी जाए तो ऑब्वियसली वो ओप्पो की बैटरी मिलेगी ना 65 फाइव पे। पर तो इन शॉर्ट थोड़ी भी ज़्यादा इनोवेशन देखने में मिल जाती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के अंदर अगर मैं सिर्फ एंड्रॉयड की बात करूँ कंपेयर आईफोन से तो तो ये ऑटोमेटिकली जो है हार्डवेयर के अंदर भी सुपीरियर होता चला जाता है एंड्रॉड तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने बहुत सारे नोटिस किए थे अपने एक्सपीरियंस से बताया मैंने जो तो मेरे को लगा कि एंड्रॉड काफ़ी सुपीरियर बन जाता है अब मैं ये नहीं कह रहा कि आईफोन की जो आई है बेकार है मैं उसके ऑलरेडी सपोर्ट में एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की थी उसको भी आप जरूर देख लेना और यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो जाती है अगर मैंने कोई पॉइंट मिस करे हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ यार प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर लिख जाना अगर अगर ये वाली पसंद आई हो तो लाइक करके कर जरूर जाना है और सब्सक्राइब करके हमारी टैगिंग चलकर हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं अगर मिलते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग